नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान एलडीसी की भर्ती जो है, एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक ना ही कोई आंसर किया है, ना ही रिजल्ट का कोई नोटिस आया है। इसी को लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, बताने से पहले कहना चाहूँगा, जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जब आप विजिट कर, प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फ्रेंड एक बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबा लें, जिससे हमको राजस्थान को लेकर न्यूज आएगा उसको नोटिफिकेशन देंगे, वीडियो डालेंगे उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले, और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान एलडीसी जिन्होंने परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बैड न्यूज है, ना ही अभी कोई रिजल्ट आया है, ना ही कोई आंसर की अपडेट आया है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये न्यूज़ जो है पत्रिका पर आई हुई है, राजस्थान जयपुर पत्रिका पर आई हुई है ये न्यूज पेपर में। इसमें साफ साफ लिखा है, एक माह में जारी नहीं कर पाए एलडीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी। जैसा कि आप सभी को पता है, जब एग्ज़ाम हुए थे, भर्ती आई थी, उस टाइम आयोग ने बोला था कि परीक्षा होने के बाद तुरंत एक महीने के अंदर जो है आपकी आंसर की जो है, यानी कि उत्तर कुंजी जो है वो आपको जारी कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद जो है अभी तक आंसर की जारी नहीं हो पाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उन्होंने न्यूज़ बताई है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कनिष्ठ सहायक भर्ती एलडीसी परीक्षा के एक माह बाद भी परिणाम तो दूर, उत्तर कुंजी भी जारी नहीं कर पाया, ठीक है। इस माह में कुंजी जारी होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, वही इस परीक्षा का परिणाम चुनाव के बाद भी जारी किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाकर डाला था, उसमें बताया भी था कि आपका रिजल्ट जो है वो 2018 में आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता ही दिया है इसमें कि वही इस परीक्षा का परिणाम चुनाव के बाद जारी होने किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कल बताया था कि परीक्षा का जो परिणाम है, रिजल्ट जो है वो 2019 में जारी किया जाएगा, परीक्षा चुनाव से पहले नहीं जारी किया जाएगा। लेकिन बहुत से फ्रेंड, क्या यार, क्या आदत पड़ गई आप लोगों की कि मतलब कोई न्यूज़ आपको दी जाए तो आप उस न्यूज़ को मतलब एबीज मतलब गलत वर्ड यूज़ कर करके कमेंट करते हैं। देखिए, अब कल तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन आज ही पेपर पढ़ रहा हूँ, तो इसमें साफ साफ बोल दिया है कि परीक्षा चुनाव के बाद ही परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कल भी मैंने आपको ये बताई थी बात कि चुनाव के बाद ही परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा 2019 में। मैंने जो वीडियो में बताया था, वीडियो में वही देखिए सच होता जा रहा है यहाँ पर पूरा। यार, मैं वीडियो वही बनाता हूँ जो उसमें कोई लॉजिक हो, कुछ हो उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि फालतू का वीडियो बना के मैं टाइम पास करूँ। मैं व्यू लेने के लिए वीडियो नहीं बनाता, बस इसलिए बनाता हूँ कि आप ऑल टाइम अपडेट रहें, आपको हर चीज़ हर समय पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे। गौरतलब है कि बोर्ड ने कनिष्ठ सहायक भर्ती एलडीसी के 11255 पर भर्ती हुई थी, भर्ती निकली थी, जिसकी परीक्षा चार चरणों में अगस्त और सितंबर में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी एक माह में परिणाम के आसपास लगाए बैठे हैं, देखिए आस लगाए हुए बैठे हैं, एक परिणाम मतलब जो है आंसर की जारी होने का, ठीक है। लेकिन अभी तक तो कोई आंसर किया ही नहीं, परिणाम आ चुका आया है। परीक्षा के लिए चार चरणों में 13 लाख से अधिक, यानी 13,85,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से करीब 55% ने परीक्षा दी थी। और जो कितने लोगों ने परीक्षा दी थी, कितने लोगों ने फॉर्म पढ़े थे, वो मैंने भी पहले वीडियो बना दी है, वहाँ पर आप चैनल पर भी देख सकते हैं पूरा अपडेट। राजस्थान एलडीसी का पूरा अपडेट मैंने वीडियो के माध्यम सब कुछ बताया आपको, जब भी अपडेट आता है, ठीक है। अभ्यर्थी ने बताया कि नौकरी की आस में बैठे युवाओं को उम्मीदवारों का पानी फिर रहा है। अभ्यर्थी अनिल मलिक ने बताया कि बेरोजगारों के हितों का कुठाराघात है, ठीक है। तो बस यही न्यूज़ थी इस वीडियो में, मैं आपके लिए पल पल की अपडेट वीडियो माध्यम से बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए फ्रेंड, अगर कोई भी अपडेट आता जरूर आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।